संस्कृत भक्तामर स्त्रोत श्रीमद मांगतुंग आचार्य जी द्वारा विरचित सचित्र वर्णन उच्चारण अर्थ शब्दार्थ और भावार्थ के साथ श्लोक नंबर 5 प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम शुद्ध उच्चारण करेंगे। सोहं तथा पित विभक्ति वशान मुनीश कर्तुन इस्तवं विगत शक्तिरपि प्रवर्ता प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाभेति किं निज शिशो परिपालिनार्थम। अब जानते हैं श्लोक नंबर 5 का अर्थ। हे मुनीश, मैं शक्ति रहित होता हुआ भी अल्पज्ञ भक्ति वश आपकी स्तुति को तैयार हूँ। जिस प्रकार हिरणी अपनी शक्ति का विचार न करते हुए प्रीति वश क्या अपने शिशु की रक्षा के लिए सिंह के सामने नहीं जाती है, अर्थात जाती है। सत्तार्थ सोहं तथा पित विभक्ति वशान मुनीश। सोहन वह अल्पज्ञ में, तथापि तो भी, तव आपका, भक्ति वशात भक्ति के वश, मुनीश मुनियों के स्वामी, कर्तुन इस्तवं विगत शक्तिरपि प्रवर्ता। कर्तुम करने के लिए, इस्तवं स्तुति करने के लिए, विगत शक्तिरपि शक्ति रहित होते हुए भी प्रवर्ता तैयार हुआ हूँ। प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगो मृगेन्द्रम। तुम वीर्य प्रेम के वश अपनी शक्ति से मविचारी बिना विचारे मृगी हिरणी मृगेंद्रम सिंह नाभेति किं निज शिशो परिपालिनार्थम। नाभेति नहीं अड़ जाती है, किं क्या निज शिशो अपने बच्चे की परिपालनार्थम रक्षा के लिए। अब जानते हैं श्लोक 5 का भावार्थ। हे प्रभु, हे मुनीश, हे मुनियों के स्वामी, मैं शक्ति रहित होता हुआ भी भक्तिवश आपकी स्तुति को तैयार हूँ। उसी प्रकार से जैसे हिरणी अपनी शक्ति का विचार न करते हुए अपने शावक की रक्षा हेतु सिंह के सामने लड़ने को आतुर हो जाती है, उसके सामने प्रीतिवश अपने शावक की रक्षा के लिए आ जाती है। उसी प्रकार से मैं मानतुंग कर्मों से लड़ने के लिए तत्पर हूँ। मैं भक्तिवश आपकी स्तुति को तैयार हुआ हूँ। आपकी स्तुति करने के लिए मैं आतुर हूँ, मैं तत्पर हूँ। जिस प्रकार प्रेम में हिरणी शेर से लड़ने को तैयार है, मैं भक्तिवश आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हूँ। हे प्रभु, आपके समान गुणों वाला कोई नहीं है, मैं आपकी स्तुति करूँगा।